अनुष्का शर्मा ने एक बार फिर मीडिया और फोटोग्राफर्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल एक मीडिया हाउस ने वामिका की तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद अनुष्का का पारा चढ़ गया और उन्होंने स्लैम करते हुए लिखा कि लगता है मीडिया हाउस को लगता है कि वो पेरेंट्स से ज्यादा जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि कई बार रिक्वेस्ट किए जाने के बाद भी वो फोटो क्लिक कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। दूसरे मीडिया हाउस और पेपराजी से कुछ सीखिए। काफी इंतजार के बाद फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और नागार्जुना स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर बेहद ग्रिपिंग है। 2 मिनट 51 सेकंड्स के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि ये कमाल की फिल्म होगी। कई लोगों ने इस ट्रेलर पर अपनी एक्साइटमेंट जताई है। अब बस इंतजार है तो फिल्म के रिलीज का। खबरें आ रही थी कि कॉफी विद करण सीजन 7 में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पहले गेस्ट बनकर पहुंचेंगे, लेकिन करण जौहर का कहना है कि रणबीर कपूर ने उनके चैट शो में आने से इनकार कर दिया है। रणबीर ने करण से कहा कि वो उनके चैट शो में नहीं आएंगे। करण ने बताया कि रणबीर कपूर ने मुझसे कह दिया है कि वो मेरे शो में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें फिर आगे लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वही एक्टर रणबीर ने कहा कि प्लीज मुझे अपने शो पर मत लाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शो पर आने के बजाय मैं तुम्हारे घर चैट करने आ जाऊंगा और कॉफी पी लूंगा। वरुण धवन के पिता डेविड धवन की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसे ही वरुण धवन ने पिता की बिगड़ी तबीयत के बारे में सुना, वो फिल्म का प्रमोशन छोड़ तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हालांकि अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर उन्हें क्या हुआ और किस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। हाल ही में सायरा बानो दिलीप साहब के नाम का अवार्ड लेने एक इवेंट पर पहुंची, वहीं उन्हें याद कर वो रोने लगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। सायरा जी को देखकर कई फैंस भी इमोशनल हो गए। डालिए वीडियो पर एक नज़र। अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म घूमर का पहला लुक हुआ रिवील। इसमें वो अभिनेत्री संयमी खेर संग नजर आएंगे। अभिषेक इस फिल्म में उनके कोच की भूमिका निभा रहे हैं। वेल, पोस्टर को देख फैंस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हैं। करण जौहर ने बर्थडे पार्टी को कोविड हॉटस्पॉट बताने पर निकाली भड़ास। इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए फिल्म मेकर ने कहा कि 25 मई को उन्होंने पार्टी जरूर दी, लेकिन उस पूरे हफ्ते में भी ऐसे कई पार्टीज हुई जहां सेलेब्स पहुंचे थे, लेकिन दोष मुझे क्यों दिया जा रहा है। एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर दिखाई रंग बिरंगी भारत की झलक, शेयर किया बेहद ही प्यारा वीडियो। डालिए एक नज़र। सुपरस्टार प्रभास और सैफ अली खान ने एक दूसरे को लगाया गले, वीडियो देख फैंस हुए खुश। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, डालिए एक नजर। प्रभास सर रुको, एक्ट्रेस कियारा अडवाणी ने इंडस्ट्री में कंप्लीट किए पूरे 8 साल। एक इंटरव्यू के दौरान बताई किस तरह थी उनकी पूरे 8 साल की जर्नी। उन्होंने खुद को लकी मानते हुए फैंस को ढेर सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया कहा।